Hey y'all, what's up beautiful people out there? This is me, Vijay Aman, and I never thought ki main is topic pe bhi kabhi video banane wali hoon. And it's because since quite last few days I am not well. And due to my some of symptoms, the doctor suggested me to go for my RT-PCR test, and I have already got it done, and my reports will be out tomorrow morning. I hope I am negative, and so it made me see, that was one of the symptoms, huh? So it made me feel that okay, I need to be really sure, because either I'm going on out for my shoots, my film shoots, my, you know, work, everything out there, and it's important for me to be really sure. And मैंने सोचा जब मैंने medicines order करी online, so I got to know about this COVID kit. इससे आपको ये एक COVID-19 rapid antigen test self test kit है, जो कि आप घर बैठ के अपना COVID का test कर सकते हैं. तो आज मेरी जो video वो इसी बारे में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपना COVID का test जो है वो कर सकते हैं. तो let's get started. और मुझे भी नहीं पता ये use कैसे करते हैं, मैं इसको खोल के पढ़ने वाली हूँ manual कि इसको कैसे हम use कर सकते हैं घर में, और इससे बहुत ही जल्दी आपको आपकी report मिल जाती है. तो let's get started. Okay, so मैं ये अपनी जो self testing kit है इसको open up कर चुकी हूँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके दिखाती हूँ. सबसे पहले है ये एक disposable bag, जो कि कुछ इस तरह का है, जिसमें आप अपना ये टेस्टिंग किट यूज़ करके आप थ्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रो आउट करना इसको सही तरीके से. एंड हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप सबको, टू एवरीबडी आउट देयर वॉचिंग दिस वीडियो, ये एक फर्स्ट ये एक वन टाइम यूज़ किट है, आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसी के साथ साथ यहाँ पर एक मैनुअल दे रखी है कि कैसे इस किट को हम यूज़ कर सकते हैं. एंड देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट के लिए, वो है ये स्वैब, जिसको कि आप अपने नोज में इंसर्ट करते हैं टेस्ट करने के लिए. और उसके बाद ये होल्डर है, आई डोंट नो इसको मेडिकली क्या बोलते हैं, बट इसके थ्रू आप टेस्ट करने वाले हैं. और इसके अंदर जो है वो आपकी टेस्टिंग की मेन चीज किट है, डिवाइस है, जिसमें से आपको रिजल्ट पता लगता है वेदर यू आर पॉजिटिव और यू आर नेगेटिव. तो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आपको टेस्ट जो है अपना कैसे करना है. तो मैं ये यूजुअल मैनुअल को जो है मैं वो पढ़ने वाली हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाती हूँ. लेट्स सी कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके गाइस, सो आई एम बैक अगेन. एंड यूजर मैनुअल के अनुसार ये जो आपका स्वैब स्टिक है, ये आप देख सकते हैं, I don't know if it's visible. Yeah, now it's visible. Swab kit stick है, इसको आपने निकालना है. एंड यहाँ पे जो है ये आपको जो टिप है स्वैब की, उसको टच नहीं करना है बिल्कुल भी अपने हाथ से. उसके बाद आपको इसकी जो बैक साइड है उससे आपको इसको पिक करना है. इंसर्टेड इन योर नॉस्ट्रल, एंड नॉस्ट्रल में इंसर्ट करने के बाद वन साइड पे, जब आप एक साइड पे इंसर्ट करेंगे उसको, आपको 5 times आपको उसको घुमाना है. एंड निकालने के बाद आपको दूसरे नॉस्ट्रल में भी डालना है, 5 times अगेन आप रोटेट करेंगे. दूसरे नॉस्ट्रल में इसलिए डालने के लिए कहा है ताकि बिल्कुल एडवोकेट रिजल्ट्स आ सके. और उसके बाद ये जो ट्यूब है इसमें ऑलरेडी एक लिक्विड अवेलेबल है, दे रखा है, आपको इसको केयरफुली खोलना है. स्वैब को आप उसके अंदर डालेंगे लिक्विड के अंदर, एंड यू जस्ट हैव टू यू नो रोटेट द स्वैब इन साइड इट 10 times. 10 बार आपको रोटेट करना है स्वैब को. एंड देन उसके बाद आपको इसको टाइटली इसको बंद कर देना है, और उसके बाद आपको इसके जो 2 drops हैं वो इसके अंदर, जो इसके अंदर डिवाइस है, मैं ये खोल ही लेती हूँ. इस डिवाइस के अंदर आपको जो 2 drops हैं वो आपको पुट इन करनी है, और 10 से 15 मिनट के बाद आपको रिजल्ट देखने हैं. और ये इसमें ये भी बताया हुआ है मैनुअल में कि अगर आप 20 मिनट के बाद रिजल्ट देख रहे हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे. तो यू हैव टू सी द रिजल्ट फॉर, मतलब आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही रिजल्ट जो हैं वो आपको देखने हैं. तो इसके अंदर ये जो टेस्ट डिवाइस है वो कुछ इस तरह की दिख रही है.
मैं आपको पहले टेस्ट करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं बताऊँगी अगर सी पे आता है आपका या टी पे आता है तो क्या उसका मतलब होता है, और अगर दोनों आते हैं तो क्या मतलब होता है। तो मैं अभी टेस्ट हम लोग करते हैं और हम लोग करते हैं शुरुआत होपिंग आई एम नेगेटिव। ओके सो मैंने ये ओपन अप कर लिया है एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट। सो ये आप देख सकते हैं स्वैप, एंड इसको आपको ये टिप जो है ये टच नहीं करनी है क्योंकि इससे टेस्टिंग होनी है, तो ये आपको बैक साइड से टच करना है। एंड नाउ आई विल पुट इट इन माय नॉस्ट्रल एंड आई विल रोटेट इट 5 times हेयर, देन आई विल पुट इट इन माय अदर नॉस्ट्रल एंड रोटेट इट 5 times देयर। ओके सो ये करते वक्त मैं बोल नहीं पाऊंगी तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। ओके थोड़ा सा हेड आपको टिल्ट करना है, बिल्कुल ऐसे नीचे करके नहीं डालेंगे, हेड को टिल्ट करना है, देन यू हैव टू पुट इट वन साइड एंड द अदर साइड। ओके Now I'll put it in the other side. I remove this nose pin of mine. And now I'll use this. I'll dip this into this, okay, and to see the results. So I'll open it carefully again and you do not have to touch the tip of this also. So I've removed the cap and I'm going to put it in 10 times. अच्छे से आप इसको कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए जो लिक्विड है उसके अंदर। मिक्स करने के बाद You just need to take it out and just keep it in your hand only. उसके बाद आप इसको टिप को इससे बंद कर दीजिए so that you can get the droplets. And इसको मैं इसके अंदर dispose off कर रही हूँ. So dispose करने के लिए भी आप इसके अंदर जो है वो इस bag को use करिए. And make sure you do not tilt this till you are doing this, because आपकी जो drops हैं वो निकल जाएंगी. So it's hard to open. Yes. So I'm swabbing it out. I'm disposing it with my disposable bag out there. And अभी ये जो है इसके अंदर मैं डाल के आपको दिखाने वाली हूँ. तो यहाँ पे हम 2 drops जो है वो इंसर्ट करने वाले हैं इसका, 1-2 drops inserted. एंड अब हम लोग वेट करेंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद मैं वापस आपके आपको रिजल्ट दिखाती हूँ. आप देख सकते हैं. ओके सो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं एंड दिस इज द रिजल्ट. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं. अगर आप देखेंगे सी जो फर्स्ट दो अल्फाबेट्स हैं सी एंड टी, तो अगर आपकी लाइन सिर्फ सी पर है जैसे कि मेरी है तो यानी कि आप कोविड नेगेटिव हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू मी. एंड अगर आपकी लाइन टी पर है और सी पर भी है, दोनों के ऊपर है सी एज वेल एज टी, तो इसका मतलब है आप कोविड पॉजिटिव हैं. अगर आपको कोई भी लाइन शो नहीं होती ना सी पे ना टी पे, इसका मतलब आपके रिजल्ट्स जो है वो इनवैलिड है. और ये टेस्टिंग किट माय लैब की तरफ से है, तो आप इस इनकी ऐप पे जाके ये स्कैन कोड से अगर आप स्कैन करेंगे और फोटो खींचेंगे अपने इस रिजल्ट की, तो भी वो आपको रिजल्ट जो है वो बता देंगे. लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा जो होम टेस्ट किट में रिजल्ट आया है वो आया है नेगेटिव, यानी कि मुझे कोविड नहीं हुआ है. ओके सो मैंने सारा कुछ जो है वो डिस्पोजेबल बैग में डाल दिया है, द स्वैब, टेस्ट ट्यूब, एंड अब मैं इसमें ये जो मेरा रिजल्ट किट का डिवाइस है जिसमें आया है कि मैं नेगेटिव हूँ, वो भी मैं इसके अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया है. मैंने सारा कुछ जो भी मेरे इसके साथ रैपर्स आए थे एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्पोज इट ऑफ इन दिस डिस्पोजेबल बैग.
और वेट करते हैं कि कल की जो रिपोर्ट आती है, जो मैंने RT-PCR टेस्ट कराया था वो इस रिपोर्ट के साथ मैच करती है या नहीं। और प्लीज़ ये डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप इसको केयरफुली डिस्पोज ऑफ करें, बिकॉज यू नो दिस वायरस इज़ अ डेडली वायरस एंड इट्स नॉट गुड इफ़ यू आर जस्ट यू नो थ्रोइंग इट अवे इन द डस्टबिन और आप चलते फिरते सड़क पर फेंक रहे हैं। प्लीज़ ये मत करेगा, इसको अच्छे से रैप इट करके, और मैं इसको अभी न्यूज़पेपर रैप भी करने वाली हूँ और फिर मैं इसको जाके डस्टबिन में डालने वाली हूँ इन अ पॉली बैग एज वेल। सो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और लेट मी नो आपको ये हेल्पफुल होता है या नहीं। मुझे लगता है ये एक जो होम टेस्टिंग किट है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि आप इंस्टेंटली आपको आइडिया लगता है कि हाँ, एक जो आपके मन में डर सा रहता है ना कि यार मैं पॉजिटिव हूँ नेगेटिव हूँ पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, जैसे कि अभी मुझे हुआ है तो मैंने इसको यूज़ करा है और मैं कल भी वीडियो बना के आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है RT-PCR वाला वो इसके साथ मैच करता है या नहीं। देन ओनली आई थिंक विल गेट टू नो कि टेस्ट जो है वो प्रॉपर हुआ भी है या नहीं।